बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, इस वीडियो में पाकिस्तान एयरफोर्स जीडी पायलट एयर डिफेंस सीएई का मिक्स एक्सपीरियंस डिस्कस होगा जो 28, 29 और 30 अगस्त 2023 के टेस्टों में आ चुका है। तो वीडियो का आगाज करते हैं पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन द टेम्परेचर इन द सिंक डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द नट इंजन, तो इसका राइट आंसर है एफिशिएंसी विल इंक्रीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजक्टिव वेव्स फ्रंट इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर है वेव लेंथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन डज नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस, तो इसका राइट आंसर है बल्ब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 kW एवरेज इक्वल, तो इसका राइट आंसर है 3.6 mJ और 2 kW 3 और 4 kW आवर के बारे में पता होना चाहिए। तो 2 kW आवर है 7.2 mJ और 3 है 10.8 mJ और 4 kWh है 14.4 mJ, तो इसको अभी से याद कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो इसका राइट आंसर है kgm² ओवर सेकंड, यानी kgm² ओवर सेकंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी, तो इसका राइट आंसर है फैरड पर मिनट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो राइट आंसर है एनर्जी इज नीदर क्रिएटेड आर डिस्ट्रॉयड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर्स आर यूज्ड इन, राइट आंसर स्विचिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच प्रोसेस एंट्रोपी रिमेंस कॉन्स्टेंट, तो इसका राइट आंसर है एडियाबैटिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, राइट आंसर कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन, इसका राइट आंसर नेचर एंड टेम्परेचर ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन फार्मूला ऑफ मोमेंटम, राइट आंसर पी इक्वल एम वी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंज लॉ इज अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ, राइट आंसर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रस्ट टेट इज मेड अप ऑफ, राइट आंसर नाइक्रोम वायर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश के स्टार्ट हो गए। अ पर्सन हाउ टॉक्स इन हिज हर स्लीप इज नोन एज, तो राइट आंसर है सनलक्वेस्ट। तो सनलक्वेस्ट का मतलब होता है नींद में बातें करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेन ड्रेन मींस, तो इसका राइट आंसर है माइग्रेशन ऑफ स्किल्ड पर्सन टू अदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रूट्स मींस, तो इसका राइट आंसर है ऑन द वे, इन रूट्स मींस ऑन द वे। नेक्स्ट क्वेश्चन टू कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मींस कम टू द पॉइंट, टू कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मींस कम टू द पॉइंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यल ऑफ सिनोनिम, तो यल का जो मुतरादफ है वो है शाउट, यल का मतलब होता है चीखना और शाउट का भी सेम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इलॉन्ग प्यूम नरेटिंग अचीवमेंट्स ऑफ ए हीरोज लेजेंडरी फिगर्स इज नोन एज, तो राइट आंसर है एपक, EPIC, इसका मतलब है जंगनामा या जंग के बारे में। तो ये कुछ क्वेश्चन है इंग्लिश के, ज़्यादा इसमें प्रपोजिशन है तो ये मैंने मतलब एक एडिटिंग दोबारा नहीं की क्योंकि ये सही तरह नजर आ रहे थे, सही तरह पढ़े जा रहे थे, तो इसलिए वैसे आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 है उस्मान वाज ब्रोकन डैश फ्रॉम हिज ओल्ड फ्रेंड्स, तो इसमें आएगा अवे, उस्मान वाज ब्रोकन अवे फ्रॉम हिज ओल्ड फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2 पे ही इज अकस्टम्ड डैश हॉट वेदर, इसमें आएगा 2, ही इज अकस्टम्ड टू हार्ट वेदर। तो नंबर 3 पे क्वेश्चन है आई वॉज अमेज्ड डैश हर बिहेवियर, तो इसमें आएगा एट, आई वॉज अमेज्ड एट हिज बिहेवियर। तो नंबर 4 पे क्वेश्चन है दानिश कम आउट डैश हिज ऑफिस, इसमें आएगा ऑफ, दानिश कम आउट ऑफ हिज ऑफिस। तो नंबर 5 पे क्वेश्चन है आई सा यू डांसिंग डैश पार्टी, तो इसमें आएगा एट, आई सा यू डांसिंग एट पार्टी। नंबर 6 पे क्वेश्चन है हेड कवर्ड डैश हेयर, तो इसमें आएगा विद, हेड कवर्ड विद हेयर। तो नंबर 7 पे क्वेश्चन आई एम यूज्ड डैश स्पीक इंग्लिश, तो इसमें आएगा टू, आई एम यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश। तो नंबर 8 पे क्वेश्चन जार वाज फुल डैश ऑयल, तो इसमें आएगा ऑफ, जार वाज फुल ऑफ ऑयल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 9 पे अक्सर ट्रेवलिंग डैश स्कूल, इसमें आएगा टूवर्ड्स, अक्सर ट्रेवलिंग टूवर्ड्स स्कूल। तो नंबर 10 पे स्कूल है सनाइज डफर डैश अदर गर्ल्स, इसमें आएगा फ्रॉम, सनाइज डफर फ्रॉम अदर गर्ल्स। नंबर 11 पे क्वेश्चन है ही ऑलवेज इन insisted dash his opinion, तो इसमें का at, he always insisted at his opinion। तो next question है number 12 पे they are annex dash his health, तो इसमें का about, they are annex about his health। number 13 में question है prime minister has arrived in London। number 14 पे question है we arrived dash village, इसमें का at, we arrived at village। number 15 पे question है my book differ dash other, तो इसमें का from, I book different from other।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 16 पे, आई विल बी ग्लेड टू गेट राइट डैश हिम, तो इसमें आएगा ऑफ, आई विल बी ग्लेड टू गेट राइट ऑफ हिम। नंबर 17 पे क्वेश्चन है, माई फ्रेंड्स अम्यूज्ड अस डैश फनी जोक, तो इसमें आएगा विद, माई फ्रेंड्स अम्यूज्ड विद फनी जोक्स। तो नंबर 18 पे क्वेश्चन है, आई वॉज एस्टोनिश्ड डैश हिज फेलियर, तो इसमें आएगा एट, आई वॉज एस्टोनिश्ड एट हिज फेलियर। तो ये थी आज, नेक्स्ट वीडियो तक, खुदा हाफिज।